नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। श्रीनगर में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं और श्रीनगर की जामिया मस्जिद के निकट एक बार फिर जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तानी और आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दिन में नमाज अदा करने के बाद कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर आतंकी संगठन आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को ऐसा करने से रोका तो दोनों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। और दूसरी बड़ी खबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पैरामिलिट्री की 5 कंपनियों के 600 जवान तैनात हैं। एनआईटी में छात्रों की संख्या कुल 1500 है। ऐसे में लगभग 2 छात्रों पर 1 जवान को तैनात किया गया है। एनआईटी भारत का शायद ऐसा पहला कैंपस है जिसकी सुरक्षा पैरामिलिट्री के हवाले की गई है। पहले कैंपस में सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई थीं। बाद में झड़प होने पर सशस्त्र सीमा बल की 3 कंपनियों को भी तैनाती की गई है। एनआईटी की बाहरी छात्राओं ने आरोप लगाया था कि कश्मीरी छात्रों के एक समूह ने उनसे कहा कि एक साथ रेप होगा तो सब ठंडे पड़ जाएंगे। और आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें। पहले तस्वीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए लोग और दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। पुलिस ने जब पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने का विरोध किया तो पुलिस पर पथराव किया गया। और तीसरी तस्वीर लाठीचार्ज की है। जी हां, तीसरी तस्वीर में आपको लाठीचार्ज। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता ममता काला और कांग्रेस नेता सुनील अत्री। 31 मार्च को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की हार के दुख से देश भले ही उबर गया हो, लेकिन श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में इस हार के बाद जो विवाद उठा वो अभी तक कायम है। पहले कैंपस में कश्मीरी छात्रों की तरफ से पाकिस्तान के झंडे लहराए गए और फिर उनके विरोध में तिरंगा लहराने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। यहीं से हुई एक ऐसी शुरुआत जिसके बाद से लगातार श्रीनगर सुलग रहा है। और एनआईटी श्रीनगर देश का पहला ऐसा कैंपस हो गया है जहां पैरामिलिट्री फोर्सेज की बड़ी पैमाने पर तैनाती की गई है। कैंपस में झंडा फहराने पर विवाद के बाद 1500 स्टूडेंट्स वाले इस इंस्टीट्यूट में 600 जवान तैनात किए गए हैं। राजस्थान से पढ़ने आए स्टूडेंट्स का कहना है कि तिरंगा फहराए जाने पर उन्हें फेल करने की धमकी मिल रही है, जबकि लड़कियों का कहना है कि उन्हें रेप की धमकी दी जा रही है। हाथों में पाकिस्तान का झंडा लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां आए दिन सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, हाथों में पाकिस्तान का झंडा लिए सड़कों पर घूमना कोई नई बात नहीं है। श्रीनगर एनआईटी में भी 31 मार्च को भारत के मैच में हारने के बाद कैंपस का नजारा कुछ ऐसा ही था, जहाँ भारत की हार के बाद कैंपस में कश्मीरी छात्रों ने पाक का झंडा लहराया, जिसके विरोध में गैर कश्मीरी छात्रों ने तिरंगा लहराकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद कैंपस डायरेक्टर के इशारे पर पुलिस भारी सुरक्षा बल के साथ कैंपस में दाखिल हुई। पुलिस ने तिरंगा लहराने वाले छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसकी चिंगारी श्रीनगर के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों तक भी जा पहुंची। एनआईटी में बड़े विवाद का ही असर था कि आज घाटी में भी इसका असर देखने को मिला।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की जामिया मस्जिद के पास एक बार फिर जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तानी और आतंकी संगठन आईएस के झंडे लहराए जाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। इस झड़प में कई लोग घायल भी हुए। शुक्रवार को दिन में नमाज अदा करने के बाद कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर आतंकी संगठन आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराने शुरू कर दिए। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को ऐसा करने से रोका तो दोनों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पाक का झंडा लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों ने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। इससे पहले भी 1 जनवरी को जामिया मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आईएस के झंडे लहराए थे। वहीं एनआईटी में चल रहे विवाद के बीच कैंपस में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से हर एक छात्र पर 2 जवानों को तैनात किया गया है। छात्रों ने एनआईटी के माहौल को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। इसी बीच एक नई बात ये भी सामने आई कि स्थानीय छात्र गैर कश्मीरी छात्राओं को रेप की धमकी दे रहे हैं। लड़कियों का कहना है कि कश्मीरी छात्रों के एक ग्रुप ने उनसे कहा है कि एक के साथ रेप होगा तो सब चुप हो जाओगे। यही नहीं, बड़ी बात ये भी सामने आई कि एक छात्रा ने पुलिस पर भी गैर कश्मीरी छात्रा के साथ भेदभाव का बर्ताव करने का आरोप लगाया। गैर कश्मीरी छात्रों का सबसे ज्यादा जोर एनआईटी शिफ्ट करने और उससे भी पहले उन्हें घर जाने देने पर था। वहीं पूरी घटना के बाद आईजीपी कश्मीर एमजे गिलानी और कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की बातें सुनी और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहरहाल जिस तरीके से एनआईटी में तिरंगा फहराने से शुरू हुआ विवाद लाठीचार्ज तक जा पहुंचा और अभी तक जस का तस बना हुआ है, उसे देखते हुए अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि घाटी में शांति वापस होगी या फिर ये मुद्दा यूं ही एनआईटी कैंपस के साथ साथ देश की राजनीति में भी गर्माता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज। जी हाँ, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से एनआईटी कश्मीर में लाठीचार्ज हुआ उन छात्रों के ऊपर जो कि भारत माता की जय बोल रहे थे, भारत का तिरंगा लहरा रहे थे, ममताज जी सवाल उठते हैं। और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। देखिए राठौर जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही दुखद ये घटना थी, बहुत ही गलत ये घटना थी। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का झंडा फहराया जाएगा और भारत का झंडा ही फहराया जाना चाहिए। सबसे साफ और पहली बात ये है, भारतवर्ष में भारतवर्ष के जयगान भी किए जाएंगे और भारतवर्ष की बात भी की जाएगी। जो पुलिस ने वहां पर जो किया और बेरहमी से छात्रों को मारा, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इसका बिल्कुल विरोध करती हूं। और ये बात साफ होकर के आई है सरकार से कि जो भी पुलिस वाले उसमें शामिल थे और जिन्होंने ये घटना में हिस्सा लिया और बेरहमी से स्टूडेंट्स को मारा, जिन्होंने वहां पर झंडा फहराया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और की भी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। दो स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस वाले किसी भी एक भी अफसर या पुलिस वाले जो पिटाई में शामिल थे, एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। बीजेपी की सरकार है, कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी। सुनील जी, कमजोर नेतृत्व जब होता है तो अराजकता का माहौल जो है वो पैदा होता है और इसके रूप बदलते रहेंगे। जब से भाजपा सरकार बनी है जी, कभी राष्ट्रीय झंडे का मैटर आएगा, कभी जेएनयू का आएगा, कभी एनआईटी जम्मू कश्मीर का आएगा। आज कश्मीर के अंदर पीडीपी और भाजपा द्वारा शासित सरकार का वहां पर शासन चल रहा है और उनके द्वारा ही पुलिस द्वारा पीटा गया। बीजेपी का राष्ट्रवाद, आस्था, ये सब कहाँ गए? ये सिर्फ नारों से देश नहीं चलता है, इसके लिए कुछ जमीनी कार्य भी किए जाते हैं। खाली गुणगान करने से, किसी एक आदमी के गुणगान करने से नहीं होता है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। क्या कांग्रेस करा रही है? नहीं, कांग्रेस नहीं करा रही। मैंने क्या कहा? कमजोर नेतृत्व जब होता है तो इस टाइप की जो छोटी वो होती है, जब जो भी वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा है या पाकिस्तान के नारे लगा रहा है, तो सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए
उनको उठा के फेंक देना चाहिए जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, उठा के फेंक दे पाकिस्तान की। चलिए ममता जी से जवाब लेते हैं। ममता जी, जेएनयू में अगर कन्हैया कुमार ऐसी सभा को संबोधित करता है जिसमें भारत के विरोध में नारे लगाए जाते हैं, तो कन्हैया कुमार के खिलाफ FIR होती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल भेजा जाता है। जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ नारेबाजी ही नहीं की जाती, वहां का झंडा फहराया जाता है पाकिस्तान का, और भारत माता की जय बोलने वाले, भारतीय झंडा फहराने वाले छात्रों की तो पिटाई करती है पुलिस। वहां जो छात्र वहां पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और झंडा फहरा रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और सरकार फिर भी बदस्तूर बड़े अच्छे तरीके से चल रही है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी शामिल है उसमें। कश्मीर की जो ये समस्या है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें जो होती आ रही हैं, ये पहला मसला नहीं है जो हम लोगों के सामने आया है। ये बहुत टाइम से ये सारी चीजें वहां पर होती आ रही हैं और होती ही रही हैं समय समय पर, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनाई है उनका यही कहना है कि इन चीजों को खत्म करना और कश्मीर को पूर्णतया भारत के उसमें लेना बहुत आवश्यक है। इसी चीज को लेकर के बात हो रही है। सोचने की बात यह है कि अभी कुछ समय अभी जो सरकार बनी है PDP और बीजेपी की, अभी बनी है सरकार और उसके तुरंत बाद इस तरीके का एक मसला वहां पर हो जाता है। 10 महीने पहले भी रही है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन, 72 घंटे निकल गए, कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं बहुत जी, प्लीज, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि जो गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, जो इस भारत वर्ष में रह करके भारत वर्ष के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्यवाही की जाएगी और उनको उठा करके जहां भी फेंकने की आवश्यकता होगी फेंका जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहे वो JNU के अंदर हो, चाहे वो JNK के अंदर हो, या भारत वर्ष के किसी भी कोने में हो, वो लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भारत वर्ष केवल राष्ट्र, जो लोग राष्ट्र प्रेमी हैं उनका है, भारतवर्ष एक है, अखंड है, और उसके लिए हर वो प्रयास किया जाएगा जिसकी आवश्यकता है। चलिए, बीजेपी सरकार दूसरे राज्यों में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत कदम उठाती है, सख्त कदम उठाती है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि NIT कश्मीर के मामले में ऐसा कब हो पाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A2Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश सुलगता श्रीनगर में और NIT श्रीनगर में मचे बवाल पर बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा से बात की हमारे संवाददाता मुन्ना राय ने। NIT श्रीनगर का ड्रामा अभी भी जारी है। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं। वर्मा जी, क्या मानते हैं कि अभी भी वहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं अभी समझ नहीं रही? नहीं, समझ जाएंगी। अभी आपको पता है कि HRD मिनिस्टर वहाँ जाने वाली हैं, ऑलरेडी इंक्वायरी हो रहा है, और हमने तो पहले ही बोला है कि जो पुलिस ने एक्शन लिया उसकी ज़रूरत शायद नहीं थी, और जो भी एक्सेस हुआ है, जिसने भी गलती किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं से भी कार्य करते हुए नहीं दिख रहे हों या नहीं कर रहे हों। एक तरफ आप देश विरोधी जो गतिविधि है उसके लिए आप केस दर्ज कराते हैं, दूसरी तरफ तिरंगा फहराया जा रहा है श्रीनगर में, उसका उन छात्रों के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों? ये गलत हुआ, हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के थ्रू अपोजिशन पार्टी अब रियलाइज़ कर रही है भारत माता की जय और तिरंगा, खुशी की बात है कि चलिए उन्हें दे रहा है, दुरुस्त है, उन्हें पता तो लगा। और हम तो शुरू से ही इस पक्ष में, भारत के किसी भी कोने में हर व्यक्ति को भारत का झंडा फहराने का अधिकार है, तो कॉन्स्टिट्यूशन देती है। जम्मू एंड कश्मीर तो भारत का ही पार्ट है ना, उससे अलग तो है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी अप्लाई करता है, तो कोई इसमें इशू ही नहीं है। सर, सरकार तो आपकी है, फिर ऐसा क्यों हुआ है? हम पता लगा रहे हैं, हमने इंक्वायरी ऑर्डर किया है कि क्यों हुआ ऐसा, और भी बहुत से रीजन्स होंगे, तो इंतज़ार करिए, रिपोर्ट के आने का पता लग जाएगा। तो ये थे सुदेश वर्मा जी, जिनका साफ कहना था कि झंडा फहराने की आज़ादी हर जगह होना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा, सरकार इनकी है, अब ये क्या जांच करके सामने लाते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मुन्ना राय, A2Z न्यूज़, दिल्ली। और NIT विवाद पर कांग्रेस बीजेपी पर तीखा हमला करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सुनते हैं कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने इस पूरे मामले में क्या कहा।
सर, एनआईटी श्रीनगर में जो हो रहा है उसको किस नजर? नहीं, इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, छात्रों पर आक्रमण हुआ है जो किसी हालत में उचित नहीं माना जा सकता है उसको। वहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार है और ये सरकार में कोई तालमेल इसलिए नहीं है कि पीडीपी कहती है कि हम अफजल गुरु के सबसे बड़े समर्थक हैं और बीजेपी दावा करती है कि हम अफजल गुरु के सबसे बड़े विरोधी हैं, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाया है तो सरकार में ही तालमेल नहीं है, जिसके नतीजे पर यह हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सुनील जी, अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा थे जो कह रहे थे कि कम से कम विपक्षी दल को हिंदुस्तान की खबर तो आई, ध्यान तो आया, और जो भारत माता की जय वाली बात है उस पर कम से कम वो गौर तो कर रहे हैं। देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए। ऐसा है, इन लोगों का ये सोचना गलत है। ये देश की जनता को जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको सही मूल्य ना मिलने के कारण, खाद पे प्रॉपर उनको खाद और बिजली की सप्लाई ना होना, उस पर बिल बढ़ाना, खाद की सब्सिडी ख़त्म कर देना, बैंकों से लोन नहीं मिलना और झूठ बोलना कि बैंक लोन दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, उनकी रिकवरी के लिए ये इन्होंने उनको दबा देते हैं गर्दन जा करके, और देश से ललित मोदी और विजय माल्या जैसे इनके मंत्रियों के द्वारा देश से भगा दिए जाते हैं और उसका दोष जो है ये इधर उधर भटकते रहते हैं। कांग्रेस के ऊपर ये दोषारोपण के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं है। शासन आपका है, क्या देश के अंदर पिछले 67 सालों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के क्या राष्ट्रीय झंडे नहीं करते थे? क्या राष्ट्रीय गीत नहीं गाए जाते थे? क्या काम नहीं होता था? सब करते थे। स्कूलों में झंडे ले, हम जब पढ़ते थे स्कूलों में जो हम झंडे लेकर के घूमते थे, टोफियां बंटती थी, तो वो काम क्या, देश प्रेम किसी में कोई कम नहीं है ये कहने से कि जी भारत माता की जय बोलिए, और फिर तुम उकसा करके बोलते हो बोलिए भारत माता की जय बोलो। अरे नहीं बोलता, मेरी मर्जी यार, मेरा अपना श्रद्धा है, मेरा अपना दूसरा ढंग है, मैं दूसरे ढंग से भारत माँ की इज्जत करता हूँ, मैं अपने उसको शीश नमन करता हूँ, जरूरी नहीं मैं भारत माता का चित्र मैं अपने मंदिर में लगाऊं, मेरे दिल में है भारत माता, मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश की धरती में पैदा हुए हैं, जो यहीं मरे हैं, यहीं जिन पैदा हुए हैं यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे, यहीं जलेंगे, तो उनको इस देश से प्रेम नहीं होगा, किससे होगा? वो देश प्रेम तुम सिखाओगे हमें? वो देश प्रेम तुम सिखाओगे क्या? इससे पहले देश प्रेम नहीं था क्या देश में? लेकिन भाई जो देश के अंदर और समस्याएं हैं, वो 56 इंच की छाती कहाँ गई, वो 15 लाख रुपए का काला धन कहाँ गया, वो तो बताइए। वो जो तुम सर्व स्मार्ट सिटी बना रहे थे, आज 2.5 साल निकाल दिया, 2 साल बाद भी सवाल ये भी उठता है कि जम्मू कश्मीर में अभी बीजेपी सरकार सत्ता में शामिल हुई है, इससे पहले कांग्रेस भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रही है जम्मू कश्मीर में। ये हालात कोई 2 दिन 4 दिन 6 महीने में नहीं बन जाते हैं जो इस समय विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, जाहिर सी बात है लंबे समय में बनी होगी। तो क्या नहीं लगता आपको कि कांग्रेस भी जिम्मेदार है? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा जो है इस टाइप के असामाजिक तत्व को सख्ती से कुचला है, और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ किसी ने उसका वो कराया तो उसका बिल्कुल सख्ती से उसके ऊपर एक्शन लिया गया, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे कसाब हो, सबको उठा करके फांसी पे टांग दिया गया, और जहाँ पर भी कोई वो हुआ तो उनको जो है गोलियों से ख़त्म कर दिया। उन्होंने शोर नहीं मचाया कि भाई हम 1 की जगह 10 मारेंगे, हाँ हमारे 10 मरे तो उनके 100 जरूर मारे गए हैं, ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की कथनी में और करनी में फर्क नहीं है, हम नारों से नहीं चलते, हम कार्य करते हैं। चलिए, नारों और काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन असली बात यही है कि आतंकवादियों और खासतौर पर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। श्रीनगर एनआईटी कैंपस में एक तरफ जहां माहौल अब तनावपूर्ण है, स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कैसे T20 मैच के बाद कैंपस में ये विवाद शुरू हुआ आपको दिखाते हैं। श्रीनगर एनआईटी में छात्रों के बीच हुई झड़प ने देखते ही देखते सियासी रंग ले लिया। T20 विश्व कप में भारत की हार के बाद देखते ही देखते छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, और यहां से शुरू हुआ ऐसा विवाद जिसके बाद हर तरफ देशभक्ति को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 31 मार्च को मुंबई में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर स्थानीय और दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए, और यहीं से शुरू हुआ देशभक्ति पर कोहराम। आपस में भिड़े छात्रों में से भारी स्टूडेंट्स का आरोप है कि कुछ अज्ञात स्थानीय स्टूडेंट्स के ग्रुप ने टीम इंडिया की हार के बाद भारत विरोधी नारे लगाए। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि कुछ लोगों ने वेस्टइंडीज की जीत पर पटाखे फोड़े।
बाहरी राज्यों के स्टूडेंट शुक्रवार को कैंपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने कथित तौर पर भारत विरोधी नारे भी लगाए। टीम इंडिया की हार के बाद कुछ कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान का झंडा लहराना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के पक्ष में नारे भी लगाए। पाकिस्तान का झंडा देखते हुए भारी छात्रों के स्टूडेंट्स की देशभक्ति भी जागी और सभी भारत का झंडा लिए भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर क्या था, दोनों छात्र गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के मुताबिक भारत के मैच हारने के बाद कई स्थानीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने भारत विरोधी नारे लगाए और हॉस्टल में मैच खेल रहे दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की। पाक का झंडा लहराने वाले स्टूडेंट्स ने स्थानीय स्टूडेंट्स को भड़काया, जिसके बाद वो भारी स्टूडेंट से भिड़ गए। इस झड़प में एक टीचर और कुछ स्टूडेंट्स को चोटें लगी हैं। छात्रों के दोनों ग्रुप के बीच शांति कायम रखने की कोशिश की गई, लेकिन जब स्टूडेंट्स नहीं माने तो पुलिस को बुलाना पड़ा। इस विवाद के बाद मौके पर पहुंची सीआरपीएफ ने 5 अप्रैल को तिरंगा फहरा रहे छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिस ने स्टूडेंट्स पर काबू पाए रखने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। एनआईटी कैंपस में पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेने की बजाय तिरंगा फहराने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ हो गई, जबकि पाकिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज। सुनील जी, अभी जो ममता जी भी कह रही थी कि इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता है और जो काम कदम उठाया गया वो ठीक उठाए गए हैं। फिलहाल वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगाई गई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाहर से छात्र पढ़ने गए हैं वो अब भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो देश के विभिन्न राज्यों से वहाँ पर छात्र आए हुए हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और पुलिस ने जो आपने दिखाया है कि इसके अंदर लाठी चार्ज किया है उसमें कम से कम जो है, ये मेरे भी अपने सूचना के अनुसार कम से कम 60 से 70 स्टूडेंटों को इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। हर चीज़ कैमरे में कवर नहीं होती है, और इन्होंने जो है उसके ऊपर आज 8 दिन होने को आए हैं, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि गवर्नर इनके पास इनके अपने हैं, शासन प्रशासन पुलिस मिलिट्री सब कुछ इनकी है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नाकाम है इस मामले में और वो बिल्कुल फेलियर हैं उसमें, वो इस मंत्रालय को ढंग से नहीं चला पा रही हैं, और जहाँ पर जो काम वाइस चांसलर को टाइट करने का होता वो खुद ना होकर के सीधा उसमें कूद जाते हैं। और ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक इस टाइप से एक महिला को इन्होंने रातों रात मानव संसाधन मंत्री बना दिया है, और गुणगान कर रहे हैं जी मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने मोदी, हमें तो ज़मीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देश के अंदर आज अलग इतनी अराजकता का माहौल बना हुआ है जी, और उकसाने वाले भड़काने वाले ये लोग नारे लगा रहे हैं। देश के अंदर देश प्रेम क्या पहले नहीं था, सब में था, आज भी जो बच्चे हैं स्कूलों में आप जाइए सब में देश प्रेम है। गणतंत्र दिवस का और स्वतंत्रता दिवस का बच्चे कितने बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वह उस दिन स्कूलों में टॉफ़ी बांटी जाती है, झंडे लेके हम घूमेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब वो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के और देशभक्ति के जब इसको वहाँ पर गाने बजते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा महसूस होता है। चलिए बिल्कुल सुनील जी, हर किसी के दिल में देश के लिए जज्बात हैं, देश के लिए इज्जत है और देश का वो मान सम्मान है जो शहीदों ने कहीं ना कहीं अपनी जान देकर के चुकाया था। फिलहाल आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल फिर भी यही उठता है कि एनआईटी कश्मीर में जो छात्र अब भी डर भय और ऐसी परिस्थितियों के बीच रहने के लिए मजबूर हैं, भले ही वहाँ पर दो छात्रों पर एक सुरक्षाकर्मी लगा दिया हो, करीब जो सुरक्षाकर्मियों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है, उसके बावजूद जो बाहर यानी कि भारत के दूसरे राज्यों से छात्र कश्मीर में पढ़ने गए हैं वो अपने आप को अब भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई कदम उठाती है या नहीं, या फिर उन लोगों के खिलाफ जो पुलिस वालों ने जिन भारत के समर्थन में नारेबाजी करने वाले, भारतीय झंडे को सलाम करने वाले बच्चों को, छात्रों की पिटाई की, उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं। फिलहाल हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही, कुछ ही देर में एक और नई पेशकश के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।